बेबी आजकल तुम्हारा मेकअप ऐसे क्यों लगता है जैसे कि ईंट का पाउडर लगा है? मुझे तो नहीं लगता। मेरा बैग आ गया, वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ। तुम इसलिए मेरे पास आए थे दिखावे के लिए? खेल दी विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम वाला गेम खेल दिया। कहाँ जा रही हो? मैं कुत्ता सुखाने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और बिल्कुल मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज इनफैक्ट 8 के 8:30 बजे उठी हूँ मैं, विच अविनाश ने ही मेड श्योर कि मैं उठ जाऊँ तब तक तो। लेकिन पता नहीं क्यों रात को थोड़ा सा मतलब सोई तो अच्छी सोई थी, लेकिन आई थिंक मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन मैं 8:30 बजे फिर भी उठ गई। तो कल से अविनाश कह रहा है कि 8 बजे से 5 मिनट पहले से मैं उठाऊंगा, तो कोशिश यही करी जाएगी। और फिलहाल आई एम हैविंग माई ग्रीन टी और ये रहा मेरा बेबी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बेबी थोड़ा लेट उठी है क्योंकि बेबी को अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था 2 दिन से, तो आज मैंने काफी दिया है। और कल से मेरी बेबी अब 8 बजे की 7:55 उठेगी, है ना? ठीक है। हाँ, नाक पे इतना मेकअप, नाक पे मेकअप है ज्यादा, बहुत ज्यादा मेकअप है। अरे मैं वो सनस्क्रीन लगाती हूँ ना, तो सनस्क्रीन भी सफेद हो जाता है ना। और अभी कारीगर लोग भी आते होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो, आई एम रियली इरिटेटेड। एक बार आपका एक रूम तैयार हो जाता है ना, उसके बाद ना यू डोंट वांट देम टू एंटर, क्योंकि इतना खलबली मचाते हैं ना आपकी जिंदगी में ये लोग, और निकलने का नाम नहीं लेते हैं। आज बेबी कब तक बोल रहे हैं? बात तो ही नहीं है कुछ, लेकिन अगर आज काम खत्म नहीं हुआ हाँ, तो बोल दूंगा सर जयराम जी की आप जाइए, हमें करवाना ही नहीं। हाँ, बात ही हम किसी और से करा लेंगे। यार इन लोगों ने सच्ची में बहुत तंग कर दिया अविनाश। हाँ, अगली दिवाली पे बनेगा क्या? पिछली दिवाली पे शुरू किया था तो मैं आपको साथ में मिला देती हूँ। ये मेरी चिंचा, पापा का बेटा बॉल से खेल रहा है, मम्मा का बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है और वो वहाँ पे पड़ी हुई है। सो राइट नाउ जरा मैं अपनी ग्रीन टी पी लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ और अगला प्रोग्राम बताती हूँ अभी क्या है। तो मैं बता दूँ कि आज का शेड्यूल है क्या। अभी मुझे चेरी को और कैंडी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इनकी आईज चेक करानी है। चेरी की ना आँख के नीचे, ये देखो अमिता पास में ना, ये देखो आँख के ऊपर ना ये एक बहुत बड़ा वो आ गया स्किन, इधर के यहाँ के भी नीचे है स्किन। और प्लस मुझे इसकी आई साइड भी चेक करानी है, मुझे इसकी ओवरऑल हेल्थ भी चेक करानी है। सेम कैंडी के लिए, बिकॉज बेटर रहता है कि अगर टाइमली चेकअप कराते रहो इनका, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना आपको एंड में पता लगे तो उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। तो मेरे को ना, मैं थोड़ा सा डर गई हूँ और मैं इनको टाइमली चेक कराना चाह रही हूँ। और ये भी दिखा दूंगी साथ साथ में, आई साइड भी चेक करा दूंगी। इसको नहलाना है और ये जाना नहीं चाह रही है, देखो नहाने के नाम से कांप रही है। क्या हो गया बाबा, क्या हो गया? ऐसे कैसे? ऐसा लग रहा है तो अंदर जाके मारती है इसको। नहीं, इतना डर क्यों? ये तो गंभीर नाटक ही है भाई। नहीं तो करना है ना बाबा, डॉक्टर के पास जाएंगे ना फिर, मामा डॉक्टर के पास लेके जाएगी आपको। मैं तो भैया नहीं आता, लगा रहे हो आगे पानी भी गर्म है। चल मेरा बच्चा आ जाओ, कैसा देख रहे हैं अभी आपके पास है, बिल्कुल मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। नीचे लिटरली आप देख सकते हो कांप रही है, मेरे को दिखा रही है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ इससे। अरे मैं नहलाऊ, मैं चलूँ? कह रही है आप नहलाओ, मम्मा लेके चले। मम्मा नहला क्या? अब आपको और क्या जानना, देख लो मम्मा नहलाए ना आपको, मम्मा चलेगी नहलाने। पानी भाग, चल मैं नहलाती हूँ। बेबी आजकल तुम्हारा मेकअप ऐसे क्यों लगता है जैसे कि ईंट का पाउडर लगा है? मुझे तो नहीं लगता। अब देखो अपनी चीज तो सबको अच्छी लगती है, चुनचुन हमें पसंद ही है। चुनचुन वहाँ से देख भी रही है चुप के, वो वहाँ कैसे पहुँच गई? चुनचा पापा का बेटा, खाली नाम का ही पापा का बेटा रह गया है, वैसे तो मम्मा का ही है, सिर्फ नाम पड़ा है पापा का बेटा। रजिस्ट्री तो मम्मा के नाम पे ही हो गई है। अच्छा, पापा का बेटा। बड़ी हो रही है क्या ये? थोड़ी सी मतलब मैच्योर हरकतों में हो रही है क्या? अब नीचे भी सोती है जमीन पे जाके। बाबू तू तो बिल्कुल नहीं छोड़ता था मम्मा पापा को। मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, मेरा बैग आ गया, वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ। तुम इसलिए मेरे पास आए थे दिखावे के लिए? दिखावे के लिए आए थे ना, कर दिया मैनिपुलेशन कर दिया। बेबी तुम आए क्यों मेरे पास, मुझे पहले ये बताओ। खेल दी विक्टिम मेंटालिटी, विक्टिम वाला गेम खेल दिया। कहाँ जा रही हो? मैं कुत्ता सुखाने। मेरा गुस्सा कुत्ते पे क्यों निकाल रही हूँ? इतना रगड़ दिया कुत्ते को, बाल छिल गए उसके। जी मैं निकल रही हूँ, वर्कर्स एज यूजुअल नहीं आए हैं, मैं निकल रही हूँ। आई एम लाइक वेरी एंग्री राइट नाउ। मैं अभी चेरी को और कैंडी को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास, आपको मिलती हूँ रास्ते में। जितनी व्लॉगिंग हो पाएगी मैं करूंगी। दो जन को कैसा लेके जाएगी? ले जाऊंगी, वो तो तीसरे भी तैयार है, इसका क्या करूँगी? नहीं इसको तो मैं देखती हूँ, चेन लगा दे, मैं ले जाऊंगी, कर लूंगी मैं। तो देख वो देख पहले भाग गई है। सुनना आप अंदर जाओगे, आप नहीं आ सकते। प्यार से प्यार कर रहा हूँ उसमें। चल बाबू मैं आ रही हूँ, मम्मा आ रही है। जाएंगे प्रॉब्लम नहीं है ना डॉग का है। आज इसको कैंडी को दे दो, इधर ऊपर दे दो। चल मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ, डॉक्टर करकरे। हाय डॉक्टर। हाय, हेलो एवरीबॉडी। सो डॉक्टर मेरे को जो मेन इसका ही दिखाना है ना, एक तो ये इसके आईज के ऊपर ना आप देखोगे कि ये एक्स्ट्रा स्किन जो है इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी है, इस आई पे भी है। दे रिक्वायर्ड टू बी सर्जिकली रिमूव्ड, लेकिन शी इज अ ओल्ड डॉग सो वी शुड नॉट अटेम्प्ट दैट। डॉक्टर से मुझे डांट भी पड़ी है अभी इसके बाल काटने पे कि मैंने बेरहमी से इसके बाल काट दिए थे। द हेयर्स आर बेसिकली मेंट टू बी प्रोटेक्टेड फॉर द स्किन, इट आल्सो कीप्स the skin and body cool. Always remember, it's not like us that when we most of the people think कि उनको भी गर्मी लगती होगी, नहीं लगती है उनको गर्मी। So डॉक्टर अभी इसको क्या देना चाहिए food wise, और इसके eyes के लिए आप बता रहे थे क्या करता है? So basically this dog also along with the atopy suffers with what is called as a dryness of the eyes and require a constant fluids or tear drops or artificial tear drops for their eyes. जी मैं डॉक्टर के पास से तो निकल गई हूँ और मैं आपको बता दूँ कि चेरी को तो कुछ प्रॉब्लम्स निकली हैं हेल्थ वाइज। कैंडीज ऑल फाइन, लेकिन चेरी को इश्यूज निकले हैं और काफ़ी सारी मेडिसिन ली हैं। मतलब मैं बहुत सारी मेडिसिन लेके जा रही हूँ और अभी केमिस्ट से खरीदनी है। इसके जॉइंट्स में तकलीफ है। डॉक्टर कह रहे थे कि मेरे को इसके लिए ज़्यादा थोड़ा सा वरी लग रहा है क्योंकि मिक्स ब्रीड है ना, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है चेरी का। सनी भी एक बार घर पहुँच जाती फिर आपको बताती हूँ मैं एग्जैक्टली। दोस्तों मैं गया था वर्कआउट के लिए, आके पता चला कि संभावना दोनों को लेके चली गई है डॉक्टर के पास, कैंडी और चेरी दोनों को। और पता नहीं कैसे संभालेगी। मैंने उसको बोला भी था कि अमिता को ले जाओ साथ में, नहीं तो एक को ले जाओ, एक को कल ले चलेंगे। मैं भी बिजी था, जा नहीं पाया, बताया नहीं, उसने निकल गई चुपचाप। और आज पहली बार ना चुनचुन घर पे अकेली है। अकेली मतलब ना चेरी है घर पे ना कैंडी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई ना कोई इसके साथ रहता है और मैं हूँ, तो इतना अकेला फील करे ना। देखो खाना यहाँ पड़ा हुआ है, खाना खाया नहीं, अलग अलग जाके बैठ रही है। चुनचान आपकी दोनों मम्मी आ रही है थोड़ी देर में, आपकी कैंडू मम्मा भी और आपकी असली वाली मम्मा भी। अकेला नहीं फील करना। बस पहुंच ही रही है संभावना, ऑटो में थी जब मैंने फोन किया। दोनों का चेकअप हुआ है, अभी आएगी तो पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली डॉक्टर ने बताया। ऐसे क्या कर रहे हो तुम, मुझे उलझा के रख दिया पूरा। चलो जाओ मिलो अपनी बेटी से। ओ दोनों मम्मा आ गई क्या? हेल्थ इश्यूज हैं इसके और ये जो उठ नहीं पा रही है ना, हाँ एकदम से उसके प्रॉब्लम्स हुई हुई है जॉइंट में। क्या हुआ है? टेस्ट क्या हुआ है? सोनोग्राफी वगैरह सब कुछ हुई है, हाँ। बाकी सब ठीक है, बट इसके ना ये प्रॉब्लम है स्पाइन की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर बोल रहा था कि कोको के लिए मैं कभी वरिड नहीं रहा, क्योंकि कोको को जब हुआ वो अपनी एज में जिसको जाके होता है उससे भी कहीं ज्यादा आगे जाके हुआ उसको। कह रहे चेरी का बहुत पहले से भी वो दिख रहा है, क्योंकि इसकी हमको ब्रीड भी पता नहीं है ना, क्या क्या तकलीफें हैं ना इसको। ये कहीं ज्यादा हो गई है और ऑलरेडी एज हो गई है उसकी 13, तो वो ज्यादा सरफेस पे आ रही है प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन क्या है? कुछ नहीं, मेडिसिन अब दी है, जो दी है वो मैं एक एक करके अभी सारी लेके आनी है मेरे को। मेडिसिन कुछ डॉक्टर ने दे दी है और इसको कैसे क्या क्या करना है। डॉक्टर ने डांट भी लगाई मेरे को इसके बाल काटने में, काट दिया था। व्हाट इज दिस? बट इज वेरी स्वीट यार, बहुत प्यार करते थे। इवन यू नो कोको के लिए बोल रहे थे डॉक्टर, हाँ। कि कोको के लिए बोल रहे थे कि अपनी एज से कहीं ज्यादा वो रह के गया एंड ही इज गोइंग टू बी विद यू, सोल इज गोइंग टू बी विद यू। एनीवे मैं भी एक निकल रही हूँ मीटिंग के लिए, मेरे को जाना है और फिर आके मैं इसकी मेडिसिन वगैरह करूंगी, फिर आप लोगों को भी मिलती हूँ। मेरी मीटिंग खत्म हो गई है। मेरी मीटिंग खत्म होते ही मैं निकल गई हूँ थोड़ी सी सैलेड खाने, थोड़ी सी सैलेड खाऊंगी, अपने फ्रेंड से मिलूंगी, थोड़ा सा बतियाऊंगी। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मीट अ फ्रेंड ऑफ माइन। अविनाश तो बिजी है अपनी राइटिंग में, तो थोड़ा बहुत सैलेड वैलेड खा के। आज मेरा दिल है कि मैं नेल्स वगैरह करा लूं, लेकिन अभी तक मैंने जो चेरी की मेडिसिन है वो नहीं खरीदी है, तो वो भी अभी खरीदनी है। साथ में अगर मेरे को नेल्स के लिए अपॉइंटमेंट मिलती है ना, मैं एक पर्टिकुलर जगह पे जाके नेल्स कराना चाह रही हूँ, तो अगर मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई तो मैं वो करा लूंगी। नॉर्मली तो मैं घर पे कराती हूँ, लेकिन फॉर अ चेंज मैं कहीं और जाके कराऊंगी। ये सब अभी के प्लान है, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी दोस्तों वैसे वैसे आपको आगे लेके जाऊंगी अपने साथ। तो अभी मैं पहुंच रही हूँ कैफे पे, जहाँ पर एक सैलेड है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वही सैलेड आई एम गोइंग टू ट्राई अगेन। मिलती हूँ दोस्तों आपको। नहीं। ओ आ गया। हेलो हेलो, आप यो कैसे हो? आ जाओ। मेरे को लगा था तुम आओगे ही नहीं। आप क्यों? अरे इतना। तो जी मैं घर पे आ गई हूँ और नेल्स की अपॉइंटमेंट तो नहीं हुई। एक्चुअली मैं कर ही नहीं पाई बिकॉज मुझे किसी को घर पे देखने के लिए जाना था। दैट पर्सन वॉज नॉट वेल। तो मैं अभी घर पहुंच गई हूँ और फटाफट पहुंच रही हूँ क्योंकि बच्चे मेरा वेट कर रहे होंगे। और आज जो दवाइयाँ और मेरे को चेरी की लेनी थी वो भी मैं नहीं ले पाई हूँ, तो अभी मेरे को वो भी लेनी है। और उसके बाद मेरे ख्याल से मेरे को गाड़ी में पेट्रोल भी भरवाना है, तो मैं शायद अविनाश के साथ ही निकलूँगी। अभी मेरा कुकड़ा, मेरा कुकड़ा बेबी, मेरा कुक्का। ये मैं छोटी बाबा, ये छोटा बाबा का कहला है। जल्दी खोलो भाई, जल्दी जल्दी बच्चों से मिलना भाई। ओके 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 ओके, चलो 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 चलो। रोना क्यों है भाई? और वहीं बैठ के रो रही है, क्या हुआ है? चल नहीं पा रही है फिर? हाँ मेरा बाबा, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ जल्दी, आ जाओ मम्मा के पास, आ जाओ। वो छप के छप अकेले रह गए थे क्या? पापा जी को भी बांधने नहीं दिया माँ। एक मेरा बच्चा, एक तो ना चुड़ैल ना यानी नहीं देती माँ। नो मेरे कैट डुबाओ फोन जमा। ओके 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 ओके। ये मम्मा पप्पी, मम्मा दीदी, मम्मा के साथ कौन कौन घूमने चलेगा? चलो मम्मा लेके जाएगी, मम्मा लेके जाएगी। कम ऑन कम ऑन, चलो बॉल लो अपनी, बॉल लो। चलो 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 चलो, सब जाएंगे। हाँ अमिता थोड़ा पानी पिला दे यार मेरे को, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। हाँ पानी दे दे, पानी पी लूँ फिर निकलती हूँ। तो देखो यहाँ पे तो सब तैयार है, चलो चलो सब खेली करेंगे अभी। सुन सा पापा का बेटा है क्या? क्या क्या बोल रही है तू? ना मैं पापा का लेकिन मम्मी का बेटी है। चुनचा मम्मा का बेटा है। चलो बाबा, चलो 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 मेरा बाबा। पापा को धोखा दे दिया, बहुत वेट करती है मेरा। इनको एक उम्मीद रहती है, बाप तो कहीं लेके जाता नहीं है, माँ से उम्मीदें होती हैं इनको। तो खेली खेली करेंगे हम, बहुत खेली खेली करेंगे। आओ चलो, बॉल तो देना पड़ेगा ना बेटा। बॉल नहीं देगी तो मैं खेलूंगी कैसे? क्यों क्यों मेरी बात? अच्छा फिर ले आई है, जल्दी 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 पकड़ को। चलो चुनचा, कहाँ से हड्डियाँ ढूंढ के आती है ये? चल जरा को। चेरी की सारी प्रेस्क्रिप्शन मैंने पढ़ ली है और जितनी भी दवाइयाँ थी एक छोड़ के बाकी सारी आ चुकी हैं। एक आई ड्रॉप्स हैं जो रह गई हैं, बाकी सारी मैंने मंगा दी है। आज से मैंने देना शुरू कर दिया है एंड आई विल मेक श्योर कि ये सारी दवाइयाँ मैं अपने हाथ से ही दूँ। है काफी दवाइयाँ हैं, मतलब 1 2 3 4 5, तो अब मैं ये अपने हाथ से दूंगी किसी और को देने। और जो ये अभी खा गई है चेरी की दवाई, उसका क्या? ये पगली सी है ना, चेरी को दवाई खिलाई थी, उसको जैसे ही थूकी ना तो चुपचाप से उसकी ये बेड पे ले आई है। देखो बेड पे पूरा घसीटा मारा हुआ दवाई का, फिर कड़वी लगी होगी तो थूक दी। वो तो अमिता मैम ने पकड़ लिया, तो अब मेरे को चेरी को ना पाउडर करके दवाई खिलानी पड़ेगी। नहीं तो भाई ये तो खा जाएगी, पेन किलर वेन किलर सब खा जाएगी। ए पगली, देखो समझ में आता है तूने क्या किया? वो समझ में आता है की नहीं? ऐसा कौन करता है? नींद तो मुझे भी आ गई है, नींद तो मुझे भी आ गई है। तो हम आपको नींद में मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। और कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना क्योंकि कल होने वाला है बहुत कुछ। तुम्हें पता है वो बहुत कुछ क्या है? वो कल ही पता चलेगा, तुम्हें भी कल ही पता चलेगा ना।